अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एस ए कॉलोनी टोली चौकी में आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की बहुत सारी ज़मीनें और जायदादें हैं जिस पर गुंडों ने और माफियाओं ने कब्ज़ा किया हुआ है और उसमें से हटने का वो नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके सबब कोर्ट और कचहरी के मामलात जो है वो इल्तवा में पहुँच रहे हैं और उसमें ताखीर हो रहा है। तो आज मैंने जब यहाँ का सफ़र किया, ये जो है ज़मीन जो है आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की, यहाँ आसपास में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की है और उस पर इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। ताज्जुब की बात तो ये है कि इसमें जो है इस पर ईडी का अटैचमेंट था और है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मतलब उसमें जो है अगुवाई में इसको फरोख्त होना है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है और अफसोस की बात यह है और ये चीज़ मानने की है कि मुल्क में, हमारे भारत में कानून क्या इतना मतलब लूला लंगड़ा और अपाहिज हो गया है कि ईडी के अटैचमेंट के बावजूद किसी ने, किसी जालिम जाबिर और लैंड माफिया ग्राइबर ने, लैंड ग्राइबर ने क्या इसको कब्ज़ा कर लिया है। तो या ये बात हकीकत पर मबनी है कि ये इतनी बड़ी ज़मीन है और इस तरह की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिस पर कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का अपना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की ज़मीनें हैं, इसको फरोख्त करके इन्वेस्टरों की, सरमायाकारों की ज़मीनें दे दी जाएँ। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि हमारे मुल्क का कानून, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और तमाम कोर्ट और कचहरियों के ऑर्डर्स होने के बावजूद इसको अटैचमेंट में रख करके लोगों को पोजीशन दिया हुआ है, लोगों को कब्ज़ा और तसल्लुत दिया हुआ है। कैसा कानून, कैसी मतलब यहाँ का भारत का कानून है, कैसा लूला लंगड़ा अपाहिज है कि इन्वेस्ट समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, लोअर कोर्ट के ऑर्डर और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन ज़मीनों पर दूसरे लोगों का कब्ज़ा देखा जा सकता है। आप लोग महसूस करेंगे, ये जो छोटी सी एक वो है ऑफिस है, ये पहले हीरा ग्रुप के वर्करों की हुआ करती थी और यहाँ पर जो है लोग हुआ करते थे, लेकिन जब बीच में लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोग अलग अलग मामलात में थोड़ा इधर उधर गए तो जो है इन लोगों ने अपना कब्ज़ा कर लिया। ये इनमें से अक्सर बिल्डिंगें ऐसी हैं, 5-10 बिल्डिंगें ऐसी हैं अंडर कंस्ट्रक्शन जो दिख रही हैं और कुछ तैयार शुदा जिसमें रहाइश भी हो चुकी है। आप देखेंगे कि जिन बिल्डिंगों में रहाइश हो चुकी है उन बिल्डिंगों में जो है कपड़े वगैरह लटके हुए देखे जा सकते हैं। ये उस दरमियान लोगों ने कब्ज़ा करके और फरोख्त कर दिया है या बेचने की कोशिश की है या अंडर कंस्ट्रक्शन। अब ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ज़मीन जायदाद है, लेकिन हैदराबाद के लैंड ग्राइबर माफियाओं ने इस पर कब्ज़ा करके अपना तसल्लुत किया हुआ है फरोख्त करने के गर्ज़ से। लेकिन कोर्ट और कचहरी तसाहुली तो दिखा सकती है लेकिन कानून और यहाँ के इंसाफ को मार नहीं सकते। यहाँ के कानून लूली लंगड़ी तो हो सकती लेकिन ये समझिए कि अपाहिज नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल कानून अगर कहीं है, कहीं अगर इंसाफ है तो अदालतों से उसको निकाल करके बाजियाबी कराया जाएगा और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको, इस पर एक्शन लेगा और इन लोगों को खदेड़ करके यहाँ से इनको भगाएगा और लोगों के पैसों को जो है अदायगी करने में एक मदद मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं एक वीडियो बना करके तमाम डिपार्टमेंट्स और तमाम जो है अपने सरकारी बड़े बड़े ओहदों के हैं, पीएमओ है, होम मिनिस्ट्री है और तमाम तरह के जो सरकारी इदारे हैं उन लोगों की तवज्जो इस पर मबजूल कराऊंगा कि क्या हमारी सरकार, हमारा भारत इस तरह से जुल्म के दरमियान में यहाँ के बाशिंदे ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लाखों और लाखों लोगों के पीछे 25-30 लाख पब्लिक सफ़र कर रही है, मजबूरी में बर्दाश्त कर रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इस चीज़ के लिए हाथ पैर मार रही हैं कि कैसे करके ये लोग हटें और कोई इन लोगों के तसल्लुत के हटने के बाद ख़रीदो फरोख्त करने वाला आए और इसको जो है फरोख्त करके लोगों के पैसे की अदायगी हो सके। इसी इन्हीं सारी इस तरह की, ये तो एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है मुंतखब किया है और मुंतखब करके लोगों की पैसों की अदायगियों के लिए रास्ता हमवार किया है। तो
ये आप लोगों के सामने रखना मेरा मकसद था, ताकि आप लोग समझें कि परेशानी कहाँ आ रही है, तसल्लुत कहाँ है, लोगों का कब्ज़ा कहाँ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन सब चीज़ों से सरमायाकारों का क्या लेना देना है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने बहुत मजबूती के साथ एक जो दावादारी की थी कि भाई आपके पैसे गोल्ड और दूसरे ज़राए में महफूज हैं, तो ये वही ज़राए हैं जो हज़ारों करोड़ की, सैकड़ों करोड़ की ज़मीनें हैं, यही वो ज़राए हैं जिसमें आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने आप लोगों के पैसों को सिक्योर किया हुआ था। बहुत सारी मुल्क में कंपनियाँ ऐसी हैं जो मतलब थोड़े से कॉन्सेंसी होने के फ़ौरन बाद वो गायब हो जाते हैं, मुल्क बदर हो जाते हैं, दूर कहीं भाग जाते हैं और कभी कभी भी नज़र नहीं आते। लेकिन आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की यही वो बुनियाद, मजबूत बुनियाद है कि जिसकी वजह से आज वो लड़ रही हैं, और लड़ ही नहीं रही हैं, पूरी तरह से वो बर्दाश्त कर रही हैं। हम लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लोगों के नुकसान हो रहे हैं कि लोगों के कारोबार नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के पास पैसों की कमी है, मुल्क में कोरोना का वबा आया, तमाम तरह से चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ें कंपनी भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के दरमियान हमें भारत के कानून कायदे और तमाम तरह के निज़ामो ज़ब्त पर हमें मुकम्मल एतमाद है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस पर से इन गासिमों का तसल्लुत हटाया जाएगा और लोगों के पैसे देने और दिलाने में मददगारी और ताउन और इमदाद मिल सकेगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग दुआ कीजिए कि इन गासिबों के कसब से अल्लाह ताला हम लोगों को निजात दिलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।